कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड प्रवास आज बीजो दिवस संसदीय क्षेत्र में सामान्य लोगों ने सांजे कोझीकोड जिला कोळनचेरी खाते सामुदायिक विकलांगता व्यवस्थापन केन्द्र शिलान्यास करते त्यारबाद दिल्ली जवा रवाना थशे। राहुल बे दिवसीय प्रवास पर शनिवार 12 ऑगस्टे वायनाड पहुंचा। सांसद तरीके पुनःस्थापित थया बाद संसदीय क्षेत्र की आ प्रथम मुलाकात छे। राहुल गांधी वायनाड कालपेटा में जाहिर सभा करी। आ दरमियान कहूं कि पीएम मोदी राष्ट्रवादी नहीं, संसद में मणिपुर मुद्दा पर बात करती वक्त हसी पड़ा था। मैं संसद में कहूं भाजपे मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया डे मारी नाख्यो, मणिपुर में भारत माता की हत्या कर। राहुल गांधी वडाप्रधान पर आकड़ा प्रहार कर, कहूं पीएमए संसद में 2 कलाक 37 मिनिट भाषण आप, परंतु भारत माता की हत्या पर 2 मिनिट न बोलिया। एनसीपी में 2 फाटा पड़ी। शरद पवार अने अजीत पवार वच्चे सीक्रेट बैठक मिली। कहेवामां कि पुणे में बंने वच्चे आ मीटिंग थई हती। अचानक फरी एक वक्त काका भत्रीजा मळता राजकारण गरमायुं। पुणेना बिजनेसमैन अतुल चोरडियाना बंगला पर बंने नेताओं वच्चे आ सीक्रेट मीटिंग मिली हती। अजीत पुणे में एक पुलनुं उद्घाटन करवा पहोंच्या हता, त्यां शरद पवार पण कोई बीजा कामथी हाजर हता। ते बाद बंने नेता बिजनेसमैन अतुल चोरडियाना बंगला पर मळ्या। अजीत पवार साथे तेमना जूथना बीजा साथी पण हाजर रह्या हता। बैठक में शुं चर्चा थई ते स्पष्ट नथी। केटलीक वखत एनसीपीना प्रमुखने मनावानो प्रयास पण करवामां आव्यो हतो, जो कि आ प्रयास छतां पण शरद पवारे पोताना राजकीय पत्ता खोल्या नहोता। ते भत्रीजा साथे चाल्या जशे के पछी पोतानी पार्टी माटे एक नवी लड़ाई लड़शे ते पण स्पष्ट नथी। देश आ वर्षे 74मो स्वतंत्रता दिवस उजवा जई रह्यो छे। स्वतंत्रता दिवस की परेड नुं ड्रेस रिहर्सल थवानुं छे। ड्रेस रिहर्सल ने कारण दिल्ली पुलिस एडवाइजरी जाहिर करी। एडवाइजरी में कहेवामां आव्युं छे कि घणा मार्गो पर डायवर्सन आपवामां आव्युं छे। आवी स्थिति में लोकोने बिन रूट पर आवाथी बचवा पर भार मुकायो। जणावामां आवी रह्युं छे कि दिल्ली पुलिसे कुल 8 रूट पर डायवर्सन कर्युं। आ मार्गो में नेताजी सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग नो समावेश थाय छे। आ उपरांत आईएसबीटी थी आईपी फ्लायओवर, आउटर रिंग रोड और राजघाट थी आईएसबीटी सुधीना रस्ताओ पर सवारे 4 થી 11 વાગ્યા सुधी रस्ता बंद रहे। दिल्ली पुलिसे तेनी एडवाइजरी में एम पण कहूं कि वाहनों पर पार्किंग लेबल नहीं। तेमने सी हेक्सगोन, इंडिया गेट, कॉर्पोरेट मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग पर जवानों टाळवू जोईए। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए मध्यप्रदेश सागर जिले में कवि और समाज सुधारक संत रविदास ने समर्पित 100 करोड़ रूपया मंदिर कम मेमोरियल शिलान्यास कर, जेमा तेमणे लोकोने संबोधित करती वखते कहूं कि गरीबों की पीड़ा समझवा माटे मारे पुस्तकों शोधवानी जरूर नहीं। वधुमां तेमणे कहूं कि कोविड महामारी दरमियान मैं नक्की कर्युं हतुं कि गमे ते थाय हूं मारा गरीब भाई बहनों ने खाली पेट सूवा नहीं दू। कोलकाता में योजाई G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तर की बैठक में वीडियो संदेश मार्फते वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं हतुं कि भारते भ्रष्टाचार सामे झीरो टॉलरन्स नीति अपनावी छे। भ्रष्टाचार कारण समाज में गरीब और वंचित वर्ग ने सौथी वधु समस्या सामनो करवो पड़े छे। तेना कारणे लोकोनी जीवनशैली पण केटलीक हद सुधी प्रभावित थाय छे। वडाप्रधान मोदीए शनिवारे वीडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारा प्रादेशिक पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में भाग लीधो। आ कार्यक्रम में पीएमए कहूं कि जारे हूं पार्टी कार्यक्रम में आवु छू, कार्यकरों ने मळुं छू, त्यारे मने हमेशा नवी प्रेरणा नवो उत्साह मळे छे। वधुमां तेमणे कहूं कि हूं हमेशा मानतो आव्यो छू कि पूर्वी भारत में एक मजबूत स्तंभ बनावी देशना विकासनुं एक मजबूत एंजीन बनावानी संपूर्ण क्षमता छे। पश्चिम बंगाल में योजाई भाजपा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फरन्सिंग मार्फते संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं कि केन्द्र सरकारे संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ने हराव्यो ने समग्र देश में नकारात्मकता फैलावनाराओं ने जड़बातोड़ जवाब आप्यो छे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु कोयम्बतूर एयरपोर्ट पहुंचा था। लोकसभा में सांसद तरीके सदस्यता परत मेळव्या बाद राहुल पोताना मतविस्तार केरल वायनाड प्रवासे छे। तेरे वायनाड जवा माटे राहुल गांधी दिल्ली थी वेली सवारे रवाना था। वायनाड में राहुल गांधी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने पण मळ्या। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी फरी एक बार विदेश प्रवासे जई शके छे। सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे राहुल गांधी सप्टेम्बरना बीजा सप्ताहमां यूरोपना प्रवासे जशे। आ पहेला राहुल गांधी अमेरिकाना प्रवासे गया हता, त्यां संसदमांथी तेमनी सदस्यता रद्द करवामां आवी हती। आगामी प्रवास दरमियान राहुल गांधी यूरोपना देशों बेल्जियमना ब्रसेल्स, नॉर्वे ओल्फो अने फ्रांस पेरिस पण जवाना छे। संसदना बन्ने गृहमां पसार थया बाद राष्ट्रपतिए दिल्ली सेवा बिलने मंजूरी आपी। आ साथे 19 मे ना रोज बहार पाडवामां आवेला वटहुकम हवे कायदो बनी गयो छे।
अगाउ दिल्ली सरकारे वटहुकमने सुप्रीम कोर्टमां पड़कार्यो हतो। हवे सुधारेला कायदाने पड़कारशे। दिल्ली सेवा बिलने संसदना चौमासा सत्रमां रजू करवामां आव्युं हतुं। आ बिल 3 ऑगस्टना रोज लोकसभामां पसार थवानुं हतुं। आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कायदा ने बदलवा माटे रजू करायेला बिल विषे बात करता राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बले जणाव्युं के आ देश में राजकीय हेतुओ माटे पुलिसनो दुरुपयोग करवामां आवे छे। जे पण राज्यमां भाजप सत्तामां छे त्यां विपक्षी दळोना सभ्य पर कार्यवाही करवामां आवशे। मोटा भागना किस्सामां सत्तामां बेसेला व्यक्तिओना निर्देश पर पुलिस कामगीरी करे छे। उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेनाना नेता संजय राउते जणाव्युं के देशना केन्द्रीय गृहमंत्रीए ब्रिटिश काळना देशद्रोहना कायदाने रद्द कर्यो छे। आ सारी बाबत छे, परंतु हुं तेमने कहेवा मांगू छुं के आ देशमां कोई देशद्रोही नथी। सरकार जे व्यक्ति पर देशद्रोहनो हेठळ कार्यवाही करवी जोईए तेने विरुद्ध पगला लेवामां आव्या नथी। झारखंड आरोग्य मंत्री बलराम गुप्ताए जणाव्युं के केन्द्र सरकार आईपीसी सीआरपीसी सहितना कायदाने बदली आ देशनी व्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित करवा माटे नवा कायदा घड़ी रही छे। તેમણે દાવો કર્યો કે આ પ્રકારના કાયદા થકી કેન્દ્ર બંધારણીય સંસ્થાઓને કમજોર કરવા માંગે છે, દેશના લોકતાંત્રિક અને બંધારણીય મૂલ્યોને પોતાના આધારે ઉપયોગ કરવા માંગે છે। મધ્યપ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે। આ દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે આરોપ પ્રત્યારોપોનો દોર વધી રહ્યો છે। તાજેતરનો મામલો કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સાથે સંબંધિત છે। કોંગ્રેસ નેતાએ શુક્રવારે ટ્વીટ કર્યું હતું કે મધ્યપ્રદેશમાં કોન્ટ્રાક્ટર યુનિયને હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને પત્ર લખી ફરિયાદ કરી કે રાજ્યમાં 50% કમિશન ચૂકવ્યા પછી જ પેમેન્ટ મળે છે। મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કમલનાથ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અરૂણ યાદવના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ વિરુદ્ધ ભાજપ સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરવા મુદ્દે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી। કોંગ્રેસના નેતાઓના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી કે જેમાં મધ્યપ્રદેશ સરકાર વિરુદ્ધ 50% કમિશન સરકારના આક્ષેપો કરાયા હતા। કોંગ્રેસે કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન પ્રદેશની સરકાર પર 40% કમિશનનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેનો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ચૂંટણીમાં ઘણો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો। કોંગ્રેસના નેતા પ્રિયંકા ગાંધીના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભાજપ સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા હતા। સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મધ્યપ્રદેશના કોન્ટ્રાક્ટરોના સંઘે મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પત્ર લખ્યો, જેમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે તેમને 50% કમિશન ચૂકવ્યા પછી ચૂકવણી મળે છે। લોકસભામાં કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ પોતાના સસ્પેન્શન વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે આ એક નવી રીત છે જે મારા સંસદીય કાર્યકાળમાં પહેલા ક્યારેય જોઈ નથી। વિપક્ષી દળોનો અવાજ દબાવવા માટે સત્તા પક્ષે નવી રીત શોધી છે। આ સંસદીય લોકશાહીના મૂલ્ય વિરુદ્ધની છે। ચૌધરીએ જણાવ્યું કે વિશેષ અધિકાર કમિટી જ્યારે પણ બોલશે ત્યારે હું તેમની સમક્ષ જવાબ આપીશ। ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ સંસદમાંથી સાંસદ રાઘવ ચડ્ડા અને સંજયસિંહને સસ્પેન્ડ કરવાના નિર્ણયને બિનલોકતાંત્રિક ગણાવ્યો। કેન્દ્ર સરકારની ઝાટક નીકાળતા તેમણે કહ્યું કે ભાજપ સદનમાં બહુમતી ભોગવે છે, તેવો એનો અર્થ એ નથી કે તેઓ વિપક્ષી દળોનો અવાજ દબાવી દેશે। આમ આદમી પાર્ટીના નેતા રાઘવ ચડ્ડાને રાજ્યસભામાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા। રાઘવ ચડ્ડાએ સંસદ સભ્ય પદ સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ તેમનું ટ્વિટર બાયો બદલી નાખ્યું હતું। તેમણે જણાવી દઈએ કે આ પહેલા રાઘવ ચડ્ડાએ પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર પોતાના બાયોમાં એમપી લખ્યું હતું, જેને હવે બદલી સસ્પેન્ડેડ એમપી કરી નાખ્યું છે। કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ શુક્રવારે પૂર્વ કોંગ્રેસ સરકાર પર લોન માફીના નામે ખેડૂતો વિરુદ્ધ જવાનો આરોપ લગાવ્યો। સિંધિયાએ ભિંડ જિલ્લાના લહારમાં આયોજિત લાડલી લક્ષ્મી બહેના સંમેલનને સંબોધિત કરતા વાત કહી કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે જ્યારે મધ્યપ્રદેશમાં છેલ્લી વખત વર્ષ 2018માં કોંગ્રેસની સરકાર બની ત્યારે ઘણા વચનો આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બંને નેતાઓ લોકો માટે કંઈ કર્યું નથી। દિલ્હી મહિલા પંચના અધ્યક્ષ સ્વાતિ માલીવાલે જણાવ્યું કે છેલ્લા 7 વર્ષમાં દિલ્હી મહિલા પંચમાં હેલ્પલાઇન નંબર પર 40 લાખથી વધુ ફોન કોલ આવ્યા છે। ગયા વર્ષે મહિલા હેલ્પલાઇન પર લગભગ 6,30,000 ફોન કોલ આવ્યા હતા। દિલ્હી મહિલા આયોગ પાસેથી મહિલાઓની સમસ્યાઓ સંબંધિત કુલ 92,000 કેસ આવ્યા હતા, જે પૈકી 11,000 કેસ દિલ્હીથી બહારના હતા। મુંબઈ એર કસ્ટમે દુબઈ જઈ રહેલા ભારતીય નાગરિકની ધરપકડ કરી અને 1.49 કરોડના 1,559.6 કેરેટ કુદરતી અને લેબ દ્વારા બનાવેલા હીરા જપ્ત કર્યા। અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીની બુધવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો। આયુષ્યમાન ભારત યોજનાને લઈ હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટરે
मोटी जाहेरात करी। मुख्यमंत्री जाहेरात करता कहूं कि 3 लाख सुधीनी वार्षिक आवक धरावता परिवारों ने आयुष्मान भारत योजना लाभ मिलशे। लोग रूपया 1,500 जमा करी योजना लाभ मेळवी शकशे। केन्द्रीय मार्ग परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरीए नागपुर में म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म आजादी लॉन्च करी। आ दरमियान तेमणे आ फिल्म बनावा माटे सिद्धार्थ कश्यप नो आभार मान्यो। केन्द्रीय मंत्रीए फिल्म लॉन्चिंग इवेंट में कहूं कि आपणा देश नो इतिहास आजे भूतकाल में छे। यूपी विधानसभा में सदस्यों माटे नवा नियमो तैयार करवामां आव्या छे। विधानसभा में हवे मोबाइल और झंडा लई जवा पर प्रतिबंध लगाव्यो हतो। हवे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव एसेम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2023 तरीके ओळखाशे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महानाए शुक्रवार आनी जाहेरात करी। आ नियम हेठ सभ्यों की एसेम्बली में मोबाइल ले जवा ध्वज प्रतीक अथवा कोईपण वस्तु दर्शावा पर प्रतिबंध रहेशे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य पूरु थया बाद मंदिर ने लोगों माटे खुल्लु मुकवामां आवशे त्यारे ते समये मोटी संख्या में भक्तों की हाजरी की संभावना पगले तैयारी करवामां आवी। श्रद्धालुओं ने अयोध्या यात्रा ने यादगार और विश्व कक्षा की सुविधाओं पूरी पड़वा माटे अयोध्या विकास सत्तामंडल द्वारा अयोध्या सरयू नदी उपतार घाट पास 75 एकर की वधु विस्तार ने श्री रामचरित मानस अनुभव केन्द्र तरीके विकसावामां आवशे। स्वतंत्रता दिवस निमित्ते पंजाब में भगवंत मान सरकार प्रदेश में 76 मोहल्ला क्लिनिक खोलशे। राज्य आरोग्य प्रधान डॉक्टर बलबीर सिंह जणाव्युं के प्रदेश 40 सरकारी होस्पिटल ने अपग्रेड करवामां आवशे। वर्तमान समय में राज्य में कुल 583 मोहल्ला क्लिनिक कार्यरत है जेमां 76 क्लिनिक नो वधारो थशे। स्वतंत्रता दिवस बाद पंजाब में कुल मोहल्ला क्लिनिक की संख्या 659 थी जशे। हवामान विभागे उत्तराखंड में आगामी 2 दिवस 12 और 13 ऑगस्ट रोज रेड एलर्ट जाहिर कर्यू। आ दिवस समयगाळा दरमियान प्रदेश में भारे थी भारी वरसाद पड़ सके। हवामान विभाग प्रमाण राज्य में कुल 204 मिलीमीटर जेटलो वरसाद खाबकी सके। उत्तराखंड घणा जिल्लाओं में छेल्ला केटलाक दिवसों की वरसादी सिस्टम सक्रिय है तेना कारणे लोगों ने नीचाणवाला विस्तारों में पाणी भरावानी समस्याओनो पण सामनो करवो पड्यो हतो। भारतीय वायुसेनानी गरुड विशेष दळोए जम्मू काश्मीर में अनेक स्थलों पर सैन्य अभ्यास कर्यो। केन्द्र शासित प्रदेश में आतंकी प्रवृत्ति ने डामवा माटे कार्यवाही कराई विषय बात करता गरुड़ विशेष दल कमांडरे जणाव्युं कि गरुड़ दल की टुकड़ी वर्ष 2007 थी जम्मू काश्मीर में कार्यरत छे अने अनेक ऑपरेशन ने अंजाम आप्या छे। घणा आतंकियों ने ठार करवामां पण महत्वनी भूमिका भजवी छे। चीन और पाकिस्तान ने जड़वातोड़ जवाब आपवा माटे श्रीनगर एरबेस पर अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट ने तैनात करवामां आव्युं। प्राप्त विगत अनुसार श्रीनगर एरबेस पर डिफेन्डर ऑफ द नॉर्थ एटले कि ट्राइट्रंस स्क्वॉडन तैनात करवामां आव्युं। भारतीय वायुसेना पायलट स्क्वॉडन लीडर विपुल शर्माए जणाव्युं कि श्रीनगर एरबेस क्षेत्र में अन्य स्थलों करता वधु ऊंचाई पर आवेलो छे। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह की हाजरी में तिरंगा यात्रा प्रारंभ थयो जेमां राज्य मुख्यप्रधान भूपेन्द्र पटेल गृह राज्यप्रधान हर्ष संघवी सहित अन्य मंत्री हाजर रहा। तमने जणावी दीए कि तिरंगा यात्रा की प्रस्थान शहर घाटलूलिया विस्तार की थी समापन निर्णयनगर विस्तार में थशे। तिरंगा यात्रा में केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह संबोधन करता कहूं कि आजादी माटे लाखों लोगों मोटो संघर्ष कर्यो अने अनेक लोगों आजादी माटे बलिदान आप्यु छे। आज अमदावाद में राष्ट्रभक्ति घोड़ापूर जोवा मळी रह्युं छे। साथे गृहप्रधान ने कहूं कि भगत सिंह खुदीराम बोस जेवा अनेक वीरोए आजादी माटे बलिदान आपनारा वीरों ने पण याद कर्या हता। आज राज्य में हिंदी और अंग्रेजी मध्यम शिक्षकों बनवा माटे टाट की परीक्षा योजाशे। राज्य की उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनवा माटे टाट की प्रीलिमिनरी परीक्षा आयोजन है। अमदावाद में 16 बिल्डिंग में परीक्षा योजाशे। राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनवा माटे हिंदी और अंग्रेजी मध्यम उम्मीदवारों की आज टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट योजाशे। अलग अलग 20 विषय शिक्षक बनवा माटे आ परीक्षा योजाशे। अमदावाद 16 बिल्डिंग में 130 ब्लॉक में परीक्षा आयोजन। पाटणना सिद्धपुर नागवासन गामे आवेला सिद्धपुर महाजन पांजरापुर मामले समग्र घटना में नवो वळांक आव्यो। पांजरापुर में कतलखानू चालतो होवानी वात पर अरजी करनार रुद्रेश पंड्या यूटर्न लीधो अने तेमणे एक वीडियो शेयर करी जणाव्युं कि आ समग्र घटना में मारी भूल थई छे। समग्र बनावने खोटो होवानुं जणाव्युं। बनासकांठा जिल्लाना सरहदी विस्तार में आकाशीय आफत बाद हवे फरीथी कुदरती संकट एंधाण वर्ताई रह्युं छे। बनासकांठाना छेवाड़ा विस्तार में तीड़ आवानुं संकट तोड़ाई रह्युं छे जेना पगले बनासकांठाना थराधना चारडा वावना असरा गाम अने सुईगामना जलोया सुईगाम माधपुरा ने तीड नियंत्रण टीम द्वारा सर्वे हाथ धरवामां आव्यो हतो। वलसाड जिल्लामां स्वातंत्र्य दिवसनी उजवणी राज्यकक्षाए थवा जई रही छे त्यारे 14 ऑगस्टना रोज धरमपुर रोडना सीबी हाईस्कूल मैदानमां राज्यपाल आचार्य देवव्रतनी अध्यक्षतामां एट होम कार्यक्रम योजावानो छे जेमां राज्यपाल अने मुख्यमंत्री जिल्लामां विविध योजनाओ अंतर्गत 13 कामोनुं ई खातमुहूर्त करावाना छे। अंकलेश्वरना नेत्रंग खाते नेत्रंग पुलिस द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अंतर्गत वीर शहीदों योगदान ने बिरदावा फ्लेग मार्च आयोजन थयुं।
जेमां नेत्रंग तालुकाना अधिकारी अने स्वामीनारायण संप्रदायना संतो हाजर रह्या हता। पंचमहाल डेरी खाते डेरीनी 50मी अने पीडीसी बैंकनी 68मी वार्षिक साधारण सभा योजाई। आ सभामां पंचमहाल डेरीना चेरमेन जेठा भरवाड़े पशुपालकोने भेट आपी, जेमां दूध भावमां 20 रूपियानो वधारो अने आगामी 21 ऑगस्टथी पशुपालकोने दूधनो भाव रूपिया 820 चूकवानी जाहेरात करी। राज्य में फरी एक वक्त शिक्षकों द्वारा आंदोलन शुरू कर शैक्षणिक संघ संकलन समिति नेजा हेठ विविध जिला में शिक्षकों द्वारा आंदोलन कर गांधीनगर में शिक्षकों बपोरे 12 થી 3 કલાક सुधी मौन धारण कर विरोध व्यक्त कर। गुजरात राज्य शिक्षण संघ द्वारा बापूनगर चारस्ता खाते धरना प्रदर्शन कर कार्यक्रम में 150 से वधु शिक्षकों जोड़ाया। शिक्षकों नु कहेवुं छे कि शालाओं में स्टाफ की खूब अछत है, ऑनलाइन कामगीरी लीधे स्टाफ की खूब अछत वर्ताई रही है, जेथी कायमी शिक्षकों की भर्ती करवानी अमारी मांग छे। दाहोद में शिक्षकों द्वारा मौन धरना कार्यक्रम योजायो, जेमां जिला शैक्षणिक संकलन समिति द्वारा पड़तर प्रश्न ले मौन धरना योजाया। शिक्षकों द्वारा जूनी पेन्शन योजना की बहाली, कायमी शिक्षकों क्लार्क पटावाड़ा की भर्ती की मांग करवामां आवी हती। पंचमहाल में राज्य सरकार पास विविध पड़तर मांगों ने लई शिक्षकों सहित स्टाफ द्वारा धरना कार्यक्रम योजायो। आ धरना मुख्य कारण ग्रांटेड शालाओं में वहीवटी स्टाफ की भर्ती, शिक्षकों ने ओपीएस आपवामां आवे, पगार इजाफो आपवामां आवे एवी मांग थी। राजकोट बहुवाड़ी भवन चौक खाते ग्रांटेड शालाओं ने बचावा शिक्षकों द्वारा धरना करवामां आव्या, जेमां शिक्षकों की कायमी भर्ती तेमज जूनी पेन्शन स्कीम लागू करवानी मांग थी। आ धरना में शिक्षकों द्वारा विधानसभा की चूंटणी पहला थयेला समाधान लागू करवानी मांग थी। राज्य में वधती जती शिक्षकों की घटना कारण शालाओं में कर्मचारी द्वारा राज्यव्यापी मौन धरना कार्यक्रम योजना, जे अंतर्गत जेतपुर में मौन रेली ने समर्थन मिल्यू। जेतपुर में शालाओं कर्मचारी विविध संगठनों संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम योजना। नवसारी शहर में वधु एकवार भूवा पड़वा की घटना बनी। शांतादेवी रोड थी वंदे मातरम चौक जता रोड पर भूवो पड़ता वाहन चालकों ने हालाकी वेठवा वारो आयो। आ मामले घटना की जांच नगरपालिका ने करवामां आवी, साथ भूवो वहली तके पूरवामां आवे तेवी मांग थी। राजकोट धोराजी में बिस्मा रस्ता ने लई आम आदमी पार्टी विरोध कर्यो, जेमां तेमणे सूत्रों लखेला पोस्टर लई विरोध कर्यो। पोस्टर में अधिकारीओ सामे पण आक्षेप थया। अरवली जिल्लाना बायडमां डेमाई गामे स्मशाने जवानो मार्ग कादव कीचड़वाड़ो थता स्थानिको ने हालाकी वधी, खास कर अंतिम यात्रा समय लोग ने भारे मुश्किल पड़े छे। स्मशाने जवा पाको रस्तो थाय तेवी मांग करवामां आवी। छोटाउदेपुर की ओरसंग नदी किनारे पौराणिक जागनाथ महादेव मंदिर पास सरकारी घाट तो बनाव पर उद्घाटन थयु नहीं, तेनी हालत बदथी बदतर थी है। प्रवासन विभाग द्वारा बनावा घाट में मात्र थोड़ा दिवसों में मसमूठी तिराड़ो पड़ी। घाट में पड़ेली तिराड़ो भ्रष्टाचार पुरावो है। राजकोट जिला धोराजी उपलेटा कांग्रेस पूर्व धारासभ्य ललितभाई वसवाया कृषि मंत्री ने लिखित में पत्र लख्य, जमा जु कि धोराजी उपलेटा विस्तार में अति भारे वरसद कारण खेडूत उभा पाक ने नुकसान थयु छे, आंगे सर्वे थी खेडूत ने वर्तर चुकवामां आवे। जूनागढ़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्राइवर मौत मामले परिवारजनों हाईकोर्ट द्वार खटखटाव्या, जेना पगले हाईकोर्ट द्वारा पुलिस उधरो लेवामां आव्यो। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डीवायएसपी और पीएसआई विरुद्ध मारमारी मरवा मजबूर करवा माटे दुष्प्रेरणा करवानो गुनो दाखल करता पुलिस बेड़ा में चकचार मची। सुरेन्द्रनगर में माता पिता माटे लालबत्ती समान किस्सो सामे आव्यो। माता पिता ने बाहर जवानुं कही किशोर सुरेन्द्रनगर में आवेली धोळीधजा डेम में नाहवा पड्यो, जेमां तेनुं मौत थयुं। धोळीधजा डेम पीवाना पाणी माटे आरक्षित डेम छे, छतां पण सुरक्षाना अभाव होवाना कारणे युवको डेम में नाहवा पड़ी रह्या छे, मौत निपेटी रह्या छे। 2 મહિના पहेला पण आ प्रकारनो किस्सो बन्यो हतो अने धोळीधजा डेम में आजे ते समय 3 युवानों डूबी जवाथी मौत निपजा हता। बनासकांठा डीसा खाते भीलड़ी में व्याजकोर महिला सामे फरियाद नोंधाई। कांकरेजना कुकड़वाड़ा गामे दिलीप नाईए आरती चौहान नामनी महिला पास थी 50,000 व्याजे लीधा था। महिला ने 10% व्याज साथ 1.16 लाख वसूलिया बाद महिलाए 3 लाख की उघराणी कर रूपया नहीं आपे तो चेक भरी आपवानी धमकी आपी थी। महिला फरियादी ने वारंवार धमकी आपती थी और उघराणी करती थी, जेने पगले पुलिसे व्याजकोर महिला सामे कार्यवाही हाथ धरी।